सरकार द्वारा जनहित में ग्रामीण तबके तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए कियोस्क सेंटर स्थापित किए गए हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर संचालित होने वाले इन सेंटरों पर मालिकों द्वारा आमजन को लूटा जा रहा है। बात का पता उस समय चला जब ग्रामीण शिकायत लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। दरअसल मामला खरगोन जिले की भगवानपुरा तहसील के ग्राम भगियापुर का है, जहां के ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उचित कार्यवाही के नाम पर ज्ञापन सौंपा। दरअसल कियोस्क सेंटर ठगी मामले को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खरगोन के संबंधित कियोस्क सेंटर द्वारा भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है। इस दौरान मामले को लेकर लोगों ने यह भी बताया कि शिकायत करने के बावजूद कियोस्क सेंटर संचालक के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही, जिसके विरोध में उचित कार्यवाही के नाम पर मोर्चा खोलकर हम शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हम बड़ौदा की इस तरह गए थे तो 460 के लिए खाता खुलवाने। अच्छा। जमा कितने के आपके पासबुक में? 50 रुपये। 50 रुपये। तो आपसे लिए कि और भी लोगों से लेते हो? और के लोगों से भी लेता हूँ। अच्छा, मालूम नहीं पड़ता आपको? हाँ। आप कैसे मालूम पड़ा कि आपके खाते में 50 पासबुक में जमा हुए? भगवानपुरा जाके चेक करवाए। क्या नाम है आपका? राहुल चौहान। हम भगियापुर से आए हैं और शिकायत यह है कि हमारे ग्राम में कियोस्क सेंटर है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से चल रहा है और आए दिन गरीब लोगों से धोखाधड़ी होती है। जैसे कोई खाता खुलवाने गया तो उसके खाता 500 रुपये में खोलता है और अधिकतर वो खातेदार कभी बाद में चेक करवाता है या फिर उसी समय उसके खाते में मात्र 500 रुपये ही डालते हैं। 50 रुपये डालते हैं उसके खाते में, मात्र 50 रुपये डालते हैं। लेते 500। तो इस संबंध में ऐसे गरीब हमारे क्षेत्र में गरीब जो लोग हैं उनके कई लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी हो चुकी है। कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ है कि उनको जैसे उनकी सरकारी योजना के पैसे आते हैं 25,000 रुपये मान लो आए, तो 25,000 रुपये में से डायरी पे एंट्री तो वो पूरी 25,000 की करता है कोई अगर ग्राहक उसके यहाँ पैसे निकालने आता, मगर उसको मिलते हैं 24,000, किसी को 24,300। ये आए दिन ये चीज़ें चल रही है। कौन है, कौन उसका संचालक? कौन है? संचालक है मनोज भाई मालवी। इसकी शिकायत आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में भी की? यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमने ज्ञापन दिया है और SDM साहब को भी देने का। आप वहाँ पहुँचे थे, क्या आश्वासन दिया आपको वहाँ प्रबंधक महोदय? तो आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है, करीब हम जांच हो रही है, ये हमको आश्वासन बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक ने 3 बार दे चुके हैं। हमको 3 बार बोल दिया है कि उसकी बैंक तो बंद हो गई है, मगर उसकी बैंक अभी तक नहीं बंद हुई ना। आज की एक वास्तविक घटना आज की है कि ये दादा जो हमारे पास खड़े हैं, इन्होंने 450 रुपये में खाता खुलवाया और उनकी डायरी पे जब एंट्री करवाई यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में तो सिर्फ 50 रुपये जमा हुए। तो हम इन लोगों को लेके SDM साहब को ज्ञापन दिया, हम चाहते हैं कि उसकी बैंक बंद हो और गरीब लोगों के साथ जो डेली धोखाधड़ी चल रही है उसका बस सिर्फ बंद हो। क्या नाम है आपका? रविंद्र सोलंकी, सरपंच भगियापुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।